अब ये इंद्राक्षी यंत्र कैसे हुआ, कैसे इंद्राक्षी माता ने, कैसे वो लाइमलाइट में आई, कैसे उन्होंने बचाया इंद्र को, वो मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। तो ये इतना पावरफुल मंत्र है कि अगर इसको हम रोज इसकी एक माला भी करते हैं तो हमें अपार धन की प्राप्ति होती है अगर हम ये यंत्र के साथ में इसकी साधना करते हैं। तो ये डिवोटीज, मैं हूं राजीव कृष्णा और मैं हूं फाउंडर ऑफ शालीग्राम.com। शालीग्राम शाला हमारी कंपनी का नाम है और आज मैं दोस्तों आपको बता रहा हूं इंद्राक्षी यंत्र के बारे में। इंद्राक्षी यंत्र जो है वो बहुत ही पावरफुल यंत्र है। वो इसलिए पावरफुल है क्योंकि जो इसका मंत्र है वो है ओम श्रीं रीं क्लीं आयं इंद्राक्षी नमः। श्रीं है माता लक्ष्मी, श्रीं के बाद में ह्रीं है दुर्गा, क्लीं है काली और आयंग है सरस्वती। तो इसमें सारी माताओं का समावेश है, इसलिए ये यंत्र बहुत ही पावरफुल है। अब ये इंद्राक्षी यंत्र कैसे हुआ, कैसे इंद्राक्षी माता ने, कैसे वो लाइमलाइट में आई, कैसे उन्होंने बचाया इंद्र को, वो मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। जो इंद्र थे, ये इनका जो करैक्टर ऐसा था कि ये जो भी लेडीज बड़ी सुंदर होती थी उनको ये पाने की हर वक्त कोशिश करते थे। ब्रह्मा ने अहल्या को बनाया, अहल्या को, जो कि बहुत ही सुंदर थी, और उसके बाद में उनकी सुंदरता जो थी वो सारे तीनों लोकों में वो फैल गई। और उसके बाद में वो अहल्या की शादी उन्होंने की गौतम ऋषि से। लेकिन जैसे ही ये इंद्र को पता चला तो उसके मन में उनको पाने की तमन्ना और कामना जाग उठी और वो उन्होंने क्या किया कि वो हर वक्त उसके पीछे देखते रहते थे। ही यूज्ड टू ऑलवेज गो आफ्टर अहल्या, इंद्र यूज्ड टू गो आफ्टर अहल्या। एक दिन उन्होंने मौका पाके एक मुर्गे की आवाज लगाई जिससे कि गौतम ऋषि ने यह सोचा कि यह सुबह हो गया है और वो सुबह अपने नदी में नहाने के लिए चले गए। और वो मौका का फायदा उठाकर ये इन्होंने गौतम ऋषि का रूप धारण किया इंद्र ने और उनके साथ में उन्होंने गलत कार्य किया। लेकिन बाद में ये पता चला गौतम ऋषि जल्दी वापस आए क्योंकि उनको इंट्यूशन हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। और उसके बाद में उन्होंने देखा तो उनको बहुत ही खराब लगा और उन्होंने कहा कि ये जो इंद्र है जो कि बिल्ली के रूप में बन के भागने वाला था उसको अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया, उसको उसके ओरिजिनल रूप में लाके उनको कर्ज किया कि तुम्हारे शरीर के अंदर जो तुम ये कुकर्म करते हो, जिस तरह की तुम्हारी मानसिकता है, तुम्हारे शरीर के अंदर 1000 योनि बन जाए। अब वो जब उसके 1000 योनि बन गई पूरे शरीर में तो उसको बहुत खराब लगा, वो किसको मुंह दिखाए, सबको उसका हंसी मजाक उड़ाने लग गए। तो उसके बाद में जब उनका थोड़े दिनों के बाद में गुस्सा शांत हुआ ऋषि का और इनकी वजह से जो इंद्र के काम थे देवों के लिए वो भी खराब होने लगे, तो सारे देव ब्रह्मों के पास गए और उन्होंने कहा कि आप गौतम ऋषि को बताइए, समझाइए और उसको इस कष्ट से निकाले इंद्र। तब माता इंद्राक्षी उन्होंने कहा कि मैं ये इंद्र अगर सूर्य देव की पूजा करेंगे, सूर्य देव की पूजा करेंगे तो जो ये इनके 1000 योनि जो बॉडी के अंदर है वो सब की सब आईज बन जाएंगे। और इस तरह जब उन्होंने सूर्य देव की प्रार्थना की, सूर्य देव की पूजा की, तो जो ये योनियां थी ये सारी आईज में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह हम इंद्र को सहस्त्र चक्षु देव भी कहते हैं। और ये वाली जो सहस्त्र चक्षु जो थी ये माता इंद्राक्षी ने अपने ऊपर ली और माता इंद्राक्षी जो है वो 1000 आईज आईड गॉडेस है। और उनमें क्योंकि सारी देवी देवताओं का, सारी देवियों का समावेश है, जैसे कि माता पार्वती, काली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती, इसलिए ये बहुत ही पावरफुल गॉडेस है और उनका हम ये यंत्र वर्शिप करते हैं। ये देखिए ये इंद्राक्षी का यंत्र है, डबल लोटस यंत्र है जिसके बीच में हमने ये मंत्र लिखा है ओम श्रीं रीं क्लीं आयं इंद्राक्षी नमः। तो ये इतना पावरफुल मंत्र है कि अगर इसको हम रोज इसकी एक माला भी करते हैं तो हमें अपार धन की प्राप्ति होती है
अगर हम ये यंत्र के साथ में इसकी साधना करते हैं, तो ये यंत्र जो है ये हमारा 6:30 बाय 6:30 में है और ये 8 बाय 8 में है, और इसके साथ साथ हमारे पास में कुछ प्लेट में भी यंत्र है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये माता जी का यंत्र है, ये है गोल्ड, प्योर गोल्ड में, और ये एंटीक गोल्ड में है, और सिमिलरली ये हमारे पास में कॉपर में भी अवेलेबल है। तो इंद्राक्षी का जो यंत्र है बहुत ही पावरफुल है, इसमें सारी माताओं का समावेश है, और इससे हमें बहुत लाभ धन का हो सकता है, और जो भी हमारी हेल्थ के इश्यूज है, क्योंकि उसकी हेल्थ का ये प्रॉब्लम था क्योंकि वो आ नहीं सकता था, जिसके अंदर गिल्ट की फीलिंग है, जो गिल्ट है, या जिसको कोई ऐसी लगता है कि ये चीजें जो है मेरे को, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, जो लोगों को फेस नहीं कर सकते, अगर वो ये यंत्र की पूजा करते हैं तो उनमें अपार कॉन्फिडेंस आता है, बहुत ही सुंदर दिखते हैं, और वो माता की जो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं उनसे बहुत ही जीवन में बहुत ऊपर जाते हैं। थैंक यू वेरी मच डिवोटीज फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।